इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको 14 से 16 हजार रुपए के प्राइस रेंज में मिलेगा। तो अगर आप अंडर 16,000 एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों काफी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद हमने इन चारों स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है। तो अगर आप इन चारों में से किसी को भी पिक करते हैं तो आपको बाद में कोई भी पछतावा नहीं करना पड़ेगा। वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जितना आप पे करेंगे उसके हिसाब से काफी तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और इन चारों स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की भी बात करेंगे, जिससे आप एक अच्छा फोन पिक कर पाए। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देखकर एक अच्छा फोन परचेस कर पाए। तो हम चौथे नंबर से फर्स्ट नंबर की ओर चलेंगे, सो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। तो चौथे नंबर पे आता है रेडमी नोट 10s। काफी अच्छा फोन है ये, इस फोन के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो बजट फोन होने की वजह से फ्रेम और जो है बैक पैनल प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है, लेकिन स्टाइलिश लुक के साथ आ रहा है, ठीक है। काफी अच्छा देखने को मिलेगा इसका डिजाइन, रेडमी नोट 10 की तरह ही जो आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। और जो बैक साइड में कैमरा मॉड्यूल दिया गया उस पर ग्लास मटेरियल का कवरिंग देखने को मिलता है, तो अदर फोन के मुकाबले इसमें यह एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर, ग्रिल और दो माइक्रोफोन्स भी मिलते हैं। और फोन के लेफ्ट साइड में सिम कार्ड ट्रे मिलेगा और राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन दोनों दिया गया है। और पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर को इंटीग्रेट किया गया, यानी कि आपको जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है ये फोन। नीचे की साइड में 3.5mm का हेडफोन जैक और USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। और 178 ग्राम का है, तो फोन ना तो ज्यादा आपको भारी मिलेगा और ना ही हल्का, यानी कि काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा इसका वेट। तो कुल मिलाकर कहें दोस्तों तो काफी अच्छा डिजाइन आपको मिलता है, स्टाइलिश सा डिजाइन है, आपको जो है काफी पसंद आएगा। अब इस फोन के मेन फीचर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 6.43 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 60 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें खास बात यह है दोस्तों कि इसमें जो है 1100 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी दिया गया है, लेकिन आपके मन में खटकेगा कि जो है 15,000 रुपए से नीचे वाले फोन में भी कम से कम जो है 90 हर्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन इसमें जो है 60 हर्ज रिफ्रेश रेट ही क्यों, क्योंकि दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, तो रिफ्रेश रेट कम भी है फिर भी जो है आपको चलेगा, ठीक है। काफी स्मूथ देखने को मिलेगा डिस्प्ले, 8-bit डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो कलर्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे इस फोन में आपको। वीडियोज देखने में या फिर गेमिंग वगैरह करने में काफी आनंद आएगा हाई पीक ब्राइटनेस होने के कारण। तो डिस्प्ले काफी अच्छा दिया गया, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब इस फोन के कैमरा की बात करें तो बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए और 2-2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर। और फ्रंट में दोस्तों 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो काफी अच्छा है कैमरा सेटअप, बेस्ट कहेंगे हम। रियर कैमरे से आप 30fps पर 2160p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से 30fps पर 1080p तक में। नाइट मोड, स्लो मोशन, पैनोरमा और ब्यूटी मोड जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेगा, तो काफी अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और काफी अच्छा जो है फोटो क्लिक कर पाएंगे, डिटेलिंग काफी अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस फोन के बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh का बैटरी दिया गया है और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 33W का चार्जर मिलता है, तो चार्जिंग स्पीड बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा। 50 मिनट में आप इस फोन को 0% से 100% चार्ज कर सकते हैं। और फास्ट चार्जिंग फीचर का फायदा यह भी कि अगर आप इस फोन को 10 मिनट भी चार्ज में लगा देते हैं फिर भी आप जो है 2 से 3 घंटा कॉलिंग के लिए इस फोन को यूज कर सकते हैं। बैटरी बैकअप बहुत ही मस्त देखने को मिलेगा, अगर आप इस फोन को नॉर्मल यूज करते हैं तो 2 दिन तक यूज कर पाएंगे, अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हैं फिर वीडियोज वगैरह रेगुलर देखते हैं इस फोन में तो 1 दिन तक जो है आप इस फोन को यूज कर ही सकते हैं। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड दोनों में काफी अच्छा है। अब इस फोन के प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि फोन का मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें मीडियाटेक हेलियो G95 का एक गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, जो कि 12nm पे बेस्ड है, काफी अच्छा प्रोसेसर मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 या फिर 662G का जो है प्रोसेसर भी देखने को मिलता है, जो कि इसमें जो दिया गया प्रोसेसर मीडियाटेक हेलियो G95 उसके मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इसमें आपको जो मीडियाटेक हेलियो G95 का ही प्रोसेसर मिलता है, फिर भी दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मल्टीटास्किंग में काफी अच्छा वर्क करता है फोन, अगर आप एक बार जो है 25 से 30 टैब भी खोल के रखते हैं उसके बाद गेमिंग करते हैं फिर भी आपको जो है कोई भी लैगिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। प्रोसेसिंग स्पीड 0.05 GHz देखने को मिलता है, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। वैसे जो प्राइस है इस फोन का उसके हिसाब से जो है कम से कम प्रोसेसर और भी बेस्ट होना चाहिए था, लेकिन इससे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपको। ओवरऑल इस फोन के बारे में कहें तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कैमरा सेटअप 64 मेगापिक्सल का मिल रहा है, मेन कैमरा, 5000mAh की बैटरी और एक एवरेज प्रोसेसर, तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं, चौथे नंबर पे बेस्ट है। अब इस फोन के प्राइस की बात करें तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको 16,500 रुपए पे करना होगा।
अब तीसरे नंबर पे आ जाता है पोको की तरफ से पोको X4 Pro 5G। काफी धांसुआ स्मार्टफोन है ये, काफी अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आता है ये। सबसे पहले इस फोन के डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं तो इसमें बड़ा सा डिस्प्ले दिया गया 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया और 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो इस फोन का डिस्प्ले जो दोस्तों काफी अच्छा देखने को मिलता है, खास करके हाई रिफ्रेश रेट के कारण जो इस फोन का डिस्प्ले काफी स्मूथ चलता हुआ दिखेगा। बड़ा सा डिस्प्ले दिया गया तो आपको गेमिंग करने में या फिर वीडियोज वगैरह देखने में आपको काफी आनंद आएगा। अब इस फोन के कैमरा की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए और 2 मेगापिक्सल का माइक्रोलेंस मिलता है और फ्रंट में दोस्तों सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो कैमरा सेटअप इस फोन का काफी अच्छा है। डे लाइट में आपको फोटो क्वालिटी तो बेस्ट देखने को मिलेगा ही, अगर आप लो लाइट में भी फोटो क्लिक करते हैं रात में फिर भी जो इसका क्वालिटी काफी अच्छा देखने को मिलेगा आपको। रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से आप 30fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब इस फोन के बैटरी की बात करें जो कि किसी भी फोन का मेन पार्ट होता है, तो इसमें 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिससे आप जो फोन को लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाएंगे। बैटरी बैकअप काफी अच्छा देखने को मिलेगा और दोस्तों इसी को चार्जिंग के लिए 67 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जिससे आप जो इस फोन को ओनली 30 मिनट में 100% चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग स्पीड बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड किसी भी तरह का शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा। अब इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 6nm पे बेस्ड है। काफी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है, आप फ्री फायर या फिर पबजी जैसे गेम को हाई फ्रेम रेट में खेल पाएंगे इजी तरीके से। आपको कोई भी लैग बैग या फिर हीटिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा इस फोन में। अगर आप इस फोन में मल्टीटास्किंग भी करते हैं तो फिर भी फोन जो है स्लो नहीं होगा, काफी अच्छा वर्क करता है। अब इस फोन के प्राइस की बात करें तो 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के प्राइस 18,999 रुपये देखने को मिलता है। अब सेकेंड नंबर पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 10। खास करके इस फोन का जो है डिजाइन काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा, गुड लुकिंग स्मार्टफोन है ये। इसमें आपको 6.43 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा और दोस्तों सनलाइट सपोर्टेड स्क्रीन है तो धूप में भी अगर आप इस फोन को यूज करेंगे तो ब्राइटनेस जो है काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और वो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जो है बेस्ट डिस्प्ले वाले फोन को ही सिलेक्ट किया है तो डिस्प्ले तो आपको बेस्ट देखने को मिलेगा ही। अब इस फोन कैमरा की बात करें तो इसमें भी बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए और दोस्तों 2-2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और एक पोर्ट्रेट लेंस दिया गया है और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो कैमरा में दोस्तों ये सैमसंग गैलेक्सी M32 से जो है थोड़ा सा नीचे रह जाता है, लेकिन दोस्तों काफी अच्छा स्मार्टफोन है। फोटो क्वालिटी या फिर जो वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी दोनों जो है काफी अच्छा देखने को मिलता है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से आप 30fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा फीचर्स की बात करें तो स्लो मोशन, पैनोरमा, ब्यूटी मोड जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। अब इस फोन के बैटरी की बात करें तो 5000mAh का बैटरी दिया गया और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 33 वाट का जो है चार्जर देखने को मिलता है जो कि काफी पावरफुल है। बैटरी आपको जो काफी पावरफुल देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग का तो सपोर्ट मिलेगा ही क्योंकि 33 वाट का चार्जर जो दिया गया है। तो बैटरी बैकअप या फिर चार्जिंग स्पीड में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। अब इस फोन के प्रोसेसर की बात कर लें जिससे कि जो फोन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 678 का एक ऑक्टा कोर चिपसेट देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा है। जी हां दोस्तों, प्रोसेसर में सैमसंग गैलेक्सी M32 से जो है काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, इसलिए इस फोन को जो हमने उससे ऊपर रखा है। आप फ्री फायर या फिर पबजी जैसे गेम को मीडियम सेटिंग में जो है 2-3 घंटे रेगुलर खेल सकते हैं तो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है प्रोसेसर भी। तो रेडमी की तरफ से काफी अच्छा फोन देखने को मिलता है ये, तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे आ जाता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G। काफी अच्छा स्मार्टफोन है ये। इसमें आपको बड़ा सा 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और दोस्तों इसमें आपको 360 हर्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिलेगा और 1200 नीट तक का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। तो काफी अच्छा इस फोन का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस मिलेगा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो कैमरा सेटअप दोस्तों इस फोन का जो उन चारों फोन से काफी अच्छा देखने को मिलता है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया जो कि काफी अच्छा है, ठीक है। रियर कैमरे से आप 30fps पर 4K तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और फ्रंट कैमरे से 30fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। काफी अच्छा इस फोन का रियर कैमरा देखने को मिलता है खास करके। तो अगर आपको रेडमी का बेस्ट कैमरा 5G फोन चाहिए तो जरूर आपको इसके साथ जाना चाहिए। और इस फोन को लॉन्ग टाइम तक यूज करने के लिए 4500mAh का बैटरी दिया गया और उसी को तेजी से चार्जिंग के लिए 67 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। चार्जिंग स्पीड बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा, आधे घंटे में आप इस फोन को जो है 50-60% तक चार्ज कर पाएंगे। नॉर्मल यूज में 2 दिन तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप वीडियोज देखने में या फिर गेमिंग के लिए जो है रेगुलर यूज करते हैं तो आपको जो है 1 दिन तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और गाइस गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का एक 5G ऑक्टा कोर प्रोसेसर
देखने को मिलता है जो कि काफी पावरफुल है। जो थर्ड नंबर वाले फोन में स्नैपड्रैगन का 800U का प्रोसेसर आया था उससे जो है काफी तगड़ा देखने को मिलता है इस फोन का प्रोसेसर। गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग को काफी अच्छे से हैंडल करता है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस फोन में। तो ओवरऑल इस फोन के बारे में कहें तो इस फोन का जो कैमरा सेटअप है नंबर वन मिलता है, चार्जिंग स्पीड बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा और आपको पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है। तो अगर आपको एक रेडमी का फोन पसंद है तो आप जरूर इस फोन को खरीद सकते हैं। सो दोस्तों 14 से 16 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में ये चारों बेस्ट फोन है हमारी नज़र में। अगर आपको लगता है कि इससे बेस्ट कोई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम उस फोन को कवर करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।